फ्यूचर मेकर के सभी निवेशकों को विजय शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा बोला था, आया नहीं सामने, कुछ ऑडियो नहीं डाली, ये भी बिक गया क्या? और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आ जाओ, आईडी लगा लो, अभी भी वक्त है, विजय शर्मा भी आप लोगों को कुछ दिन बाद में इसमें दिखेगा। मतलब मेरे नाम से बिजनेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी पुरानी ऑडियो भी डाली गई जिसमें मैं राधे श्याम जी के लिए कंपनी का सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसमें भी लोगों के हित की बात कर रहा हूँ, उसमें भी लोगों के हित की बात कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ उसमें अगर गौर से सुनोगे ना, तो उसमें मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला था कि राधे श्याम जी ईमानदार हैं, हमें उन पर भरोसा है, हमें उनको निकालने की प्रोसेस करनी चाहिए, उसमें दिमाग लगाना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हम निकल के पैसा देंगे, तो उनको पहले बाहर निकालना चाहिए जेल से, उसके बाद में वो क्या करते हैं ये देखेंगे, और फिर हम नहीं करते हैं कुछ तो हमें क्या करना है वो हम सोचेंगे। मेरी ये वर्ड्स थे। और आज जब राधे श्याम जी ने आकर निकल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो आज मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। आज मैंने अपना लालच, अपना स्वार्थ नहीं देखा कि मैं कंपनी के अंदर चला जाऊँगा तो मुझे भी दो पैसा आएगा या मैं लोगों को लगवाऊंगा। ये पूरी पब्लिक को पता है कि अगर एक विजय शर्मा अगर न्यू वर्ल्ड में चला जाता है या मैसेज डाल देता है, तो पूरी पब्लिक उसकी बात मानेगी। इतना मान सम्मान इज्जत आप लोगों ने आज तक दिया मेरे को, इतना विश्वास करते हैं आप लोग मेरे पे कि एक आदमी को कन्विंस अगर इन लोगों ने कर लिया, तो पूरा फ्यूचर मेकर खुल के काम करेगा, सारे निवेशक जाएंगे वहाँ पर, सारे निवेशक, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और जिन्होंने मेरी पुरानी ऑडियो डाली उनको भी ये बात पता है अच्छे से, तभी उन्होंने मेरी ऑडियो डाली कि विजय शर्मा की पुरानी ऑडियो का यूज़ करें, 3 साल पुरानी, और माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, शायद हमारे डाउन में आईडी लग जाएगी। मतलब उनको भी पता है कि विजय शर्मा का क्या नाम है, एक्चुअल में उसकी क्या गुडविल है, ये सबको पता है। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ दोस्तों, आज आपको इस ऑडियो को सभी को सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए मैं कह रहा हूं। अगर कोई इंसान ग्रुप में नहीं है तो उन तक भी पहुंचाओ, हर एक निवेशक को सुनना चाहिए, हर एक फ्यूचर मेकर के इंसान को सुनना चाहिए। उसी के साथ साथ न्यू वर्ल्ड में जो लोग हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। देखो भाइयों, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, ना बंसीलाल जी मेरे दुश्मन है, ना राधे श्याम जी मेरे दुश्मन है, ना सुंदर सैनी जी मेरे दुश्मन है, और जितने लोग ये जो काम करने के लिए चले गए हैं उधर में, ना वो मेरे दुश्मन है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। अरे दुश्मन क्यों होगा भाई, बताओ ना, हाँ? फर्क इतना है कि मेरी सोच अलग है, मैं डीपली सोचता हूँ, मैं कदम अगर रखता हूँ तो जमीन को परख के फिर उसके अंदर पैर रखता हूँ और फिर अपने लोगों को बोलता हूँ, मेरी ये सोच है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भी नुकसान हो, और आज भी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, आज अभी तक मैंने 3-4 बार आप लोगों को समझाया है, ऑडियो दी है, आज समझा, सिर्फ आज लास्ट बार रहा हूँ, आज लास्ट बार समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात को समझ लेना आप लोग सभी, ध्यान से सुने इस बात को। मैं आज एकदम विनम्रता के साथ में, बिल्कुल विनम्रता के साथ में हर एक इंसान के लिए आज ये मैसेज दे रहा हूँ, हर एक इंसान को, चाहे वो न्यू वर्ल्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो ना कर रहा हो, चाहे पैसों का वेट कर रहा हो फ्यूचर में करके, चाहे ना कर रहा हो, चाहे ग्रुप में जो लोग नहीं हैं, चाहे वो लोग पैसे को भूल चुके हैं, या जिनके घर में देहांत हो चुका है, लोग मर चुके हैं पैसे का इंतज़ार करते करते, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ आज ये बात। इस ऑडियो को मैं चाहूँगा हर एक इंसान तक आप लोग पहुँचाएँ। मैं कल भी लोगों के लिए बात करता था, आज भी लोगों के लिए बात करता हूँ, फ़र्क इतना है कि मैं बहुत सोच समझ के काम को करता हूँ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है या नहीं, आप सभी जानते हैं, है ना। अब दोस्तों बात यह है कि इस कहावत पे कोई अमल नहीं करता है, कोई भी अमल नहीं करता इस कहावत पे। अब इस कहावत का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, जो समझदार इंसान इसको समझेगा ना, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे इसके ऊपर काम करेगा, कैसे अमल करेगा, ये सुनिए आप मेरी बात को दोस्तों। फ्यूचर मेकर जब चल रही थी, सभी बहुत खुश थे, सभी झूम रहे थे, कोई होटलबाजी कर रहा था, कोई दारूबाजी कर रहा था, कोई अपने परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, कोई हर हफ्ते अपने परिवार को घुमाने ले जाता था, कोई मीटिंग करता था, कोई सेमिनार करता था,
सब बहुत पैसा कमा रहे थे, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, किसने करोड़ कमाया, किसने 2 लाख कमाया, किसने 5 लाख कमाया, किसने 5 करोड़ कमाया, सब कुछ हुआ, ठीक है ना। क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम जी की बदौलत हुआ। मैं बोलता हूँ उन्होंने पैसा दिया है, ठीक है, और उनके मोटिवेशन से सारा काम हुआ है, उनके नाम से सारा काम हुआ है। वो जिस तरह से स्टेज पे आके बोलते थे आपके बच्चे मेरे बच्चे मटर पनीर खाएंगे, ठीक है, मैं पाने की शपथ लेता हूँ, आप चेक बांट दो, मैं गारंटी लेता हूँ कुछ नहीं होगा। तो इतनी बड़ी बात अगर राधे श्याम जी जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं आकर स्टेज पे बोलेंगे तो विश्वास तो करेंगे, नॉर्मल बात है, करना ही था। लेकिन कोई भी ये सोचा था पैसा लगाने के टाइम में कि अगर कुछ कांड हो जाएगा तो क्या होगा? किसी ने भी सोचा था क्या? राधे श्याम जी ने तो अपनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन राधे श्याम जी को खुद पता था क्या? चलो साजिश ही मान लेते हैं इस चीज को, चलो साजिश मान लेते हैं इस चीज को, ठीक है, साजिश हुई। लेकिन किसी को भी ये बात पता थी कि राधे श्याम जी अगर बोल रहे हैं तो यार ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस कंपनी को कोई छू नहीं सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इसीलिए सभी ने आंख बंद करके पैसा डाला, खुद का भी डाला और लोगों का भी डाला। मेरी बात को एग्री करते हैं सभी? मैं सही बोल रहा हूँ ना? उसके बाद में क्या हुआ? किसी ने भी एक बार भी निगेटिव सोचा कि यार राधे श्याम जी तो बोल रहे, लेकिन किसी और कारण से कंपनी अगर बंद हो गई तो क्या होगा? किसी ने भी सोचा? नहीं सोचा। और ये ना सोचकर सबने पैसा लगाया, आंख बंद करके काम किया। क्यों? सभी लोग, बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, सभी लोग लालच में अंधे हो चुके थे, आगे का किसी ने नहीं सोचा, सब लोग लालच में अंधे हो चुके थे। और जब फ्यूचर मेकर का कांड हो गया, जिसने भी 2 लाख 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाए, मैं आज सभी से पूछता हूं, हर एक लीडर से, बड़े बड़े लीडर हो चाहे, किसी का भी पैसा किसी के पास रहा बचा? जो कमाए थे उस टाइम में तो बहुत खुश थे आप लोग, लेकिन किसी के पास भी पैसा रहा? सबका पैसा चला गया, कोई जेल में चला गया, किसी को बीमारी आ गई, कि बहुत तरीके से लोग बीमार तरीके तकलीफ में आए, लीडरों को भी तकलीफ हुई है। अरे राधे श्याम जी को, बंसीलाल जी को, सुंदर सैनी, उनको भी तकलीफ हुई है। उनको पता था कि इस तरह का कांड हो जाएगा? नहीं पता था। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब ये कांड हो गया, सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जब राधे श्याम जी, बंसीलाल जी, सुंदर सैनी जी जेल में चले गए, जब आप लोग कुछ लोग केस करने गए या कुछ लोग किसी को अपनी तकलीफ बता रहे हैं, तो आप लोगों से पूछा गया आप लोगों ने इतना पैसा क्यों लगा दिया, तो आप लोगों ने क्या कहा? ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग की खुद की बात बता रहा हूं मैं आपको। आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों ने कहा, सर जी हम लालच में आ गए थे, हम लालच में आ गए थे। ध्यान से समझिएगा, आज जो लोग वहां मिल के आए, आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आपके सामने, आप आंख बंद करके दबा के काम करो, ये करो वो करो, ठीक है, बंसीलाल जी, सुंदर सैनी ने ये बात बोली है, ये हो रहा है, होटल में रिसोर्ट में ये काम करेंगे, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनेगी, कुछ भी एक्सवाइजेड, ठीक है ना। आज सोचो कि वो आपके सामने आए क्यों है, ये सोचने की बात है, और आपको बोला क्यों जा रहा है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, आप इस दुनिया के अंदर में आपका फायदा उठाने के लिए पग पग पर हर एक इंसान मिलेगा आपको, आपका फायदा उठाने के लिए पग पग पर हर एक इंसान मिलेगा आपको, मतलब 99% लोग आपको मिलेंगे आपका फायदा उठाने के लिए, आपका गलत इस्तेमाल करने के लिए, मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने के लिए, ठीक है। लेकिन 1% सिर्फ एक बंदा मिलेगा आपको जो आपका अच्छा चाहेगा, बिना स्वार्थ बिना मतलब के आपके साथ रहेगा, आपको ये समझाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। आप एक बार दोबारा अगर मर चुके हो तो दोबारा एक बार फिर मरने से आपको बचाएगा, आपको ये सीख देगा, आपको ये समझाएगा कि आप जो पहले गलती कर चुके थे वो दोबारा मत करो। जो सही मायने में आपका साथ होगा, और मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास में ऐसा कोई भी इंसान है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, आपका साथ देता है, आपका सपोर्ट करता है, चाहे वो हर किस्म से हो, पैसे से क्यों ना हो, आपके अच्छा सोचता है, तो मैं एक बात कह देता हूं मेरे भाइयों, उस इंसान को कभी भी छोड़ना मत, उसके साथ व्यवहार मत खराब करना। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान आपके लिए हीरा होता है, लाखों करोड़ों में ऐसी चीज पाई जाती है, उस इंसान को कभी छोड़ना मत।
जो बिना स्वार्थ बिना लालच आपके साथ खड़ा रहता है, आपका साथ देता है, अपने लालच के लिए आपको फंसाने की कोशिश नहीं करता, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। अब दोस्तों मैं बोलता हूं आपको, हर एक निवेशक को, आप लोग आंख बंद करके सब पैसा लगाए, ठीक है, आज जो आज लालच में फिर से वो काम कर रहे हैं, आज वही गलती फिर से कर रहे हैं। मैंने जो कहावत कही ना आपको कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, वो कैसे फूक फूक के पीता है अब बताता हूं आपको। एक सही इंसान कैसे काम करता है मैं बताता हूं आपको, अगर सच में उसको तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है तो। आज समझो मेरे को, मैं आपको बता दूं, मेरे पास में कॉल आया था, मेरे को एक सज्जन भाई हैं उनका कॉल आया था और मेरे को भी पूरी चीज़ें बताई गई, उन्होंने मुलाकात की, सब कुछ किया, मेरे को भी अपने साथ मीटिंग करवाने की बात की गई कि आइए विजय जी मैं मिलवा देता हूँ। मैं उस इंसान को 1% भी गलत नहीं बोलता, ठीक है, 1% भी उस इंसान को गलत नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उनका भी दर्द था, 48 लाख रुपये लगे थे, उनकी टीम के भी रुपये लगे थे। ये आज कुछ समय पहले मेरे पास कॉल आया था, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, अगर मैं आपको झूठ बोलूँ ना तो मैं कल का दिन ना देखूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना आप, एक सही इंसान किस तरीके से बात करता है। उन्होंने मुझसे कहा कि विजय जी आइए आपको मैं के बात करवा देते हैं, तो सामने हैं ये, बहुत सारी बातें हुई मेरे से, 1 घंटा 20 मिनट बात हुई उनकी, 1 घंटा 20 मिनट बात हुई उनकी। देखो मेरे पास में ऑटोमेटेड मोड है रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं किसी की रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करता हूं, किसी के साथ मैं विश्वासघात नहीं करता हूं, मेरी ये सोच है ही नहीं बिल्कुल भी। और बहुत सारी खतरनाक ऑडियोज आज भी मेरे पास में है, जो मतलब ये सामने आपके आ रहे हैं नंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता वो काम, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। तो दोस्तों मैं बताऊं, उन्होंने मुझसे कहा कि आइए सर मैं आपको मिलवा देता हूं, ठीक है। मैंने उनसे एक ही बात कही कि सर मैं आईडी नहीं लगाने वाला, तो मैं मिलके क्या करूंगा। तो बोला सर फिर, तो मैंने बोला देखो ना, मैं अपना पैसा लगाऊंगा ना किसी का पैसा लगाऊंगा, आप बोल रहे हो कि 6 महीने बाद पैसा देंगे, तो मैं समझदार हूँ, आप अगर बोल रहे हो मिलाऊं, तो मैं एक काम करो मेरा, आप उन तक मैसेज पहुँचाओ, ठीक है। ऐसे तो बंसीलाल जी, राधेश्याम जी और सुंदर सैनी जी मेरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ठीक है, कुछ लोग भले ही वो जलते हैं मेरे से और वहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि अरे ऐसे ही है, कुछ नहीं है, विजय शर्मा कुछ नहीं कर पाएगा, ये है वो है, तो वो बाद में पता लग जाएगा, ठीक है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या मैटर है, मैंने उनसे एक बात कही कि सर आप बोल रहे हो कि जाके मिलवाऊँ, तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को वहाँ रखो, मैं अपने घर से कदम तभी उठाऊंगा जब मेरी बात को, मेरी डिमांड पूरी होगी। मेरी डिमांड एक ही है, मैं अपने लिए बात नहीं कर, चलो मेरा पेपर में मत लिखो मेरा पैसा, लेकिन मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, अगर सुंदर सैनी जी, बंसीलाल जी, राधेश्याम जी ये बात कह रहे हैं, सीना ठोक के आश्वासन दे रहे हैं, लोगों को मुँह से बोल रहे हैं, उनको इतना विश्वास है कि 6 महीने बाद हम देंगे पैसा, तो सिर्फ मेरा छोटा सा काम कर दो, जब आपको देना ही है, आप छोटा सा काम कर दो कि विजय शर्मा की ये डिमांड है कि आप लाखों लोगों का 4 महीने, जो बोल रहे हो ना कि जिनके 4 महीने पहले के पैसे लगे हैं, सितंबर में जब बंद हुई उसके 4 महीने पहले का जो पैसा लगा उनको देंगे, तो उतना सा काम कर दो, आप मेरे को लिखित में दे दो, और बंसीलाल जी, सुंदर सैनी जी और अपने राधेश्याम जी उस पर साइन कर देंगे, मैं अपने लॉयर्स के साथ में आऊँगा, बाकायदा मैं अपने लॉयर्स के साथ में आऊँगा, वो साइन करके मेरे को दे दे, मैं जुबान देता हूँ, पूरा फ्यूचर मेकर खुल के काम करेगा आप लोगों के साथ। ये सभी जानते हैं मेरी आवाज़ काफ़ी है, पूरा फ्यूचर मेकर खुल के काम करेगा उनके साथ, अगर वो लिख के देंगे ना, मैं वहीं बैठे बैठे 5 लाख रुपया डालूंगा अपना, और मेरे साथ में कुछ जो लोग जाएंगे ना, सारे लोग रुपया लगाएंगे। और मैं ये भी बोलाऊँ, इतना बिजनेस दे सकता हूँ ना कि जितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना, ये ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन सर उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर हम बताते हैं आपको बात करके, आप चलो खुद चल के बात कर लो। मैं बोला देखो भाई, सीधा बोला मैंने बोला देखो भाई, सीधा बात है, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, अगर मेरी डिमांड पूरी होगी तो ही मैं जाऊंगा वहाँ, मोटिवेट होने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि मैं चमड़ी की जो जुबान होती है ना, चमड़ी की जुबान, उस पर बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती, मैं इंसान के कर्म देखता हूँ। मुझे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा के कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो लोग बोलते हैं ना, उनको यह भी नहीं पता कि पॉजिटिव किसके लिए कब सोचना चाहिए और नेगेटिव किसके लिए कब सोचना चाहिए। आज राधेश्याम जी, बंसीलाल जी, सुंदर सैनी जी, उनकी वजह से लाखों लोग बर्बाद हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें की इन लोगों ने, ठीक है।
आज बिना कुछ प्रूफ के, बिना कुछ लिखावट के, वो आज इस फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं उनके लिए पॉजिटिव कैसे सोच लूँ, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक चीज की है, उनकी बातों से लाखों लोग बर्बाद हो गए। मैं उनके लिए आज पॉजिटिव कैसे सोच लूँ, बता दो मेरे को। पॉजिटिव कौन सोच रहा है यहाँ पर? पॉजिटिव सिर्फ वही सोच रहा है जिसको अपना लालच दिख रहा है, जिसको ये दिख रहा है कि मैं कुछ दिन बाद में यहाँ से अच्छे खासे पैसे बना लूंगा। एक सही इंसान, एक समझदार इंसान एक गलती करने के बाद दूसरी गलती नहीं करता है। कहने का मतलब साफ है कि गलती करो, गलती करो, गलती से सीख मिलती है। लेकिन एक ही गलती बार बार करने वाला बेवकूफ होता है। कभी भी एक ही गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। गलती मेरे से भी हुई होगी जिंदगी के अंदर में, ऐसा नहीं है मेरे से नहीं हुई है, हुई है मेरे से, मैंने उसको सुधारा है। सुधारा क्या है? घर से पैसे दिए हैं, बता दूं आपको, घर से पैसे दिए हैं। उसके बाद में जाके मेरे दिमाग में अकल आई है कि ये लाइन गंदी लाइन है, ये अपने लेवल की, अपने सोच की नहीं है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, मान सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैंने पैसे दिए अपने घर से, मैं बता दूं आपको, तो फिर से मैं वो गलती कैसे कर सकता हूं? दूसरी बात, आज ये बात सभी निवेशक भाइयों के लिए हैं और सभी न्यू वर्ल्ड में जितने मेरे भाई काम कर रहे हैं सभी के लिए है। विनम्रता के साथ मैं बता रहा हूं आप सच्चाई। दोस्तों, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, एक समझदार इंसान क्या काम करता है पता आपको? मुझे आज बहुत दया आ रही है आप लोगों के ऊपर, जो लोग लोगों के पैसा लगवा रहे हैं ना, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, मुझे बहुत दया आ रही है आप लोगों पे। और इसीलिए मैं एक इंसानियत के नाते आप लोगों के लिए मैसेज डाल रहा हूँ कि एक सही इंसान क्या करता है। अगर मुझे ये बात बोली गई कि विजय जी, विजय भाई, 6 महीने बाद हम यहाँ से लोगों को पैसा देंगे, ठीक है, 6 महीने बाद हम यहाँ से लोगों को पैसा देंगे और आपको आईडी लगानी पड़ेगी, आप आईडी लगाओ तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर ये भी बोला जाता है कि आप आईडी नहीं भी लगाओगे तो भी आपको पैसा हम 6 महीने बाद देंगे, तो एक सही इंसान, एक समझदार इंसान क्या करेगा बताऊँ आपको? अगर किसी के 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, जितने भी लगे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ ये बात, पर फ्यूचर में कर में जो पैसे लगे मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, एक समझदार इंसान क्या करेगा? एक समझदार इंसान ये करेगा सर कि ठीक है सर, आप मुझे बोल रहे हो कि 6 महीने बाद पैसे देंगे, आप नहीं भी लगाओगे तो भी देंगे, तो वो 6 महीने वेट करेगा। पहली बात तो ये, वो 6 महीने वेट करेगा, पैसा नहीं लगाएगा और ना ही दूसरे का लगवाएगा। जो ईमानदार इंसान होगा, जो समझदार होगा। और फिर एक बात और जो बोली गई कि आप पैसा लगाओ तो आपको पैसा आएगा, ठीक है, तो आप कमा लोगे, तो समझदार इंसान क्या करेगा पता आपको? जिसको लालच नहीं होगा, बता दूं आपको, जिसको लालच नहीं होगा वो क्या करेगा पता आपको? वो बोलेगा यार चलो, मेरे पैसे बहुत सारे लगे हैं और मेरे को यहाँ से अगर उम्मीद लग रही है कि यार यहाँ एक आईडी जो है 6,500 की या 12,500 की या 25,000 की लगानी है, तो लाखों रुपए लग रहे हैं मेरे, मैं तकलीफ में हूँ, चलो कोई बात नहीं है, मैं एक बार 6,500 रुपये की आईडी लगा देता हूँ इनके कहने पे, 6 महीने बाद देखेंगे। मतलब क्या है? आपकी लाइबिलिटी जो सर के ऊपर में है, हर एक इंसान ये चाहता है कि पैसा मिले, ठीक है, हर एक इंसान चाहता है कि काम करे, सबको पेट है, लेकिन किसी को तकलीफ दे के पैसा कमाना वो एक गिरे हुए इंसान का काम है, सुन लो आप मेरी बात। तो वो इंसान क्या सोचेगा कि यार मैं 6,200 रुपया अगर लगाता हूँ तो ये कह रहे हैं 6 महीने बाद पैसा आएगा, तो वो क्या करेगा पता आपको? वो 6,200 रुपया अपना लगा देगा लेकिन किसी और का नहीं लगवाएगा, वो किसी और का नहीं लगवाएगा, वो ये नहीं बोलेगा दबा के काम करो। क्यों, किस लिए? दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता, बताया था मैंने आपको, इसलिए कि यार चलो ये 6 महीने की बात कर रहे हैं, आज फ्यूचर मेकर में भी इन लोगों ने बात की थी और आज सब कुछ तबाह हो गया। आज लोग जो अय्याशी करते थे, 2,000 की दारू पीते थे, घर परिवार को घुमाने फिराने ले जाते थे, सब कुछ करते थे, वहाँ क्या कांड हुआ? वहाँ पर ये हुआ, आज लोग 100 रुपये की दारू पीने के मोहताज भी नहीं, उसमें हालत ख़राब है। जो लोग होटल में अपने परिवार को लेके अच्छी ज़िंदगी जीते थे, खाना पीना खिलाते थे,
आज वो लोग घर में कटौती करके लोगों को रुपए चुका रहे हैं, बच्चों की खुशियां मार के लोगों को रुपए चुका रहे हैं। वो दर्द उनको पता है, वो तकलीफ उनको पता है। जिनके पैसे नहीं लगे उनको दर्द थोड़ी होगा। तीसरी बात, समझदार इंसान क्या करेगा कि सिर्फ 6200 रुपए लगा के वो इंतजार करेगा 6 महीने, और अगर उसके सर पे लाइबिलिटी है किसी की तो वो उन बंदों को भी अपनी तरफ से ये बातें बताएगा कि मेरी मीटिंग हुई थी, मेरे को ये बोला गया है, आपको अगर लगता है कि हाँ इनकी बातों पे विश्वास है करे किया जाए, तो वो इंसान क्या करेगा, सीधा बोलेगा आप जो पैसा लगाओगे वो आपकी गारंटी है, मैं नहीं बोलूँगा आपको लगाने के लिए। आप अगर 6000 रुपये लगाते हो, 25000 रुपये लगाते हो, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी लगाते हो तो वो आपकी गारंटी है, मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आपको 6 महीने बाद पैसा कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा। मेरे से जो बात हुई है, मेरे से जो मीटिंग हुई है सुंदर सैनी बंसीलाल जी की, ये बोला गया है, ये आप सोच लो समझ लो, अगर आपको करना है तो कर लो। बस एक समझदार इंसान कभी भी अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगा। आज फ्यूचर मेकर में ये कांड हुआ, होने के बाद में किसी को नहीं पता था किस तरीके से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राधेश्याम जी ने तो बहुत आश्वासन दिया था हमें, ठीक है, और आज न्यू वर्ल्ड के अंदर भी बहुत आश्वासन दिया जा रहा है कि इसको कोई छू नहीं सकता है, हमने बहुत लीगल तरीके से काम किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है, और हम जो है जेल से निकल के आए हैं तो हमने कुछ कुछ सीखा है, सब कुछ मानता हूँ मैं, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन कंपनी बंद होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण भी अगर आपको ले डूबा तो क्या होगा भाई। अब मैं हर निवेशक के लिए बात कर रहा हूँ, हर न्यू वर्ल्ड में काम करने वाले, पैसा लगवाने वालों के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे भाई मेरी बात को समझो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ मेरे भाई। अरे भाई कौन इंसान होगा जो पैसा नहीं कमाना चाहेगा, कौन इंसान होगा। मेरे को भी तो घर परिवार है, मैं नहीं चाहूँगा क्या कि 2 लाख 5 लाख रुपया 50 लाख रुपया महीना कमाऊँ। लेकिन 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये इतना विश्वास दिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर कोई भी तरह से घूम फिरा के 3 महीने के ही अंदर कंपनी बंद हो गई तो साहब एक बार सोचो आप लोग, गहराई में जाओ, मैं डीपली बात करता हूं, मैं कह रहा हूं, अगर 3 महीने में ही कंपनी बंद हो गई तो साहब क्या होगा पता आपको क्या होगा। आज जो आप लोगों की सांसें चल रही है ना, जो सांसें आप लोगों की चल रही है ना, तुरंत फांसी लगाने लग जाओगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको मेरे भाई, इंसानियत के नाते समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा इतना डीपली आपको, कोई नहीं समझाएगा। एक समझदार इंसान, एक सही इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो, वो आपको पग पग पे समझाएगा, पग पग पे समझाएगा। फ्यूचर मेकर के टाइम में लालच में आके लोगों का पैसा लगवाया, आज भी वही चीज हो रही, लालच में आके पैसा लगवाया जा रहा है। आप एक बात बताओ, 2 लाख रुपए लगाओ आपको एक टूर मिलेगा, ठीक है, ये लालच नहीं है तो क्या है, ये लालच ही तो दिया जा रहा है ना, लालच नहीं है तो क्या है भाई, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। अरे भाई थोड़ा सा अपने अंदर व्हील पावर लाओ, व्हील पावर, कि मैंने अगर 6200 रुपया लगा दिया है तो मैं किसी के नहीं लगवाऊंगा, मैं 6 महीने इंतजार करूंगा, देखूंगा। अरे भाई जाएंगे तो 6200 रुपये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ की लाइबिलिटी लेकर अगर काम करोगे तो भाई साहब घर द्वार सब मिल बिक जाएगा आपका। मैं कह रहा हूँ इस MLM इंडस्ट्रीज के ऊपर जो विश्वास कर रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। अरे आपके बीवी बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा यार, क्या बिगाड़ा उन बीवी बच्चों ने आपका, अरे क्यों उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, आंख बंद करके अंधे बन रहे हो, हैं लालच का चश्मा पहन रहे हो, क्या बिगाड़ा है मेरे भाई। अब कितना समझाऊं आप लोगों को, मैं कितना समझाऊं मैं, बताओ आप। अरे भाई किसी को मत बोलो पैसा लगाने, आपको लग रहा है आप 6200 रुपये लगा के इंतजार करो ना यार, अगर आपको ये बोला गया है कि आपको कुछ नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, अरे चुपचाप बैठो ना यार, क्यों किसी को, लोगों को ऑडियो डाल डाल के इधर में मैसेज दे देकर, पर्सनल में जो है मैसेज कर करके लोगों को पॉजिटिव कर रहे हो कि ये आ गया है आप भी आ जाओ, ये आ गया है आप भी आ जाओ। अरे यार ये कौन सी समझदारी है, आप लोग नहीं समझ रहे हो कि आपको ये मैसेजेस क्यों किए जा रहे हैं, ये आपको फंसाने के लिए किए जा रहे हैं।
इतनी तो अकल लाओ यार, एक बार झटका खा चुके हो, दोबारा मर रहे हो, दोबारा बेवकूफी कर रहे हो। आपका फायदा उठाने के लिए इनको बाहर छोड़ दिया गया है और आप इनके शिकार बन रहे हो। आज जो शिकार बन रहे हैं ना, या जो बना रहे हैं शिकार, भगवान ना करे कि उनके ऊपर मुसीबत आए। एक बार सोचना कि 40 लाख रुपए लगवाए गए, 50 लाख रुपए लगवाए गए, 1 करोड़ रुपए लगवाए गए किसी के, और अगर कोई किंतु परंतु हो जाती है, क्योंकि मैं बता दूं कितना भी पैसा आप लगा लो, मुझे पूरा प्लान पता है, मुझे पूरा प्लान पता है। आप कितना भी पैसा लगा दो, चाहे 25,000 रुपये लगा दो, चाहे 2 लाख रुपये लगा दो, चाहे कितना भी लगा दो, 8 महीने तक वो पैसा पूरा नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, 8 महीने तक वो पैसा पूरा नहीं होगा। और 8 महीने तक आप जो बोलो दबा दबा के काम करो, मेरे भाई आप लोग हजारों करोड़ों रुपए दे चुके हो कंपनी को, हजारों करोड़ों। अब सोचो कोई किंतु परंतु हो जाती है तो क्या होगा, जो पैसा लगाया ना वो भी नहीं निकलेगा आपका। प्रॉफिट लालच में जो जा रहा है ना, प्रॉफिट वो तो बाद में निकलेगा। प्रॉफिट कब होगा, जब आप लोगों के लगवाओगे। इसलिए तो यहाँ काम हो रहा है, इसीलिए तो यहाँ काम किया जा रहा है, लोगों को पॉजिटिव करके लोगों को पैसा लगवाया जा रहा है। हर एक निवेशक, हर एक न्यू वर्ल्ड के मेरे भाई के लिए एक मैसेज है ये, अगर इसको ध्यान से समझे। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, अरे भाई मैं खुद भी तो चाहता हूं कि यार 2 पैसे कमाऊं, हैं? लेकिन मैं मुर्दों के ऊपर रोटी नहीं सकता, मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि जो यार मर चुके हैं उनको और मारूं। मेरे भाई अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर में है, मुझे पता है जो लोग समझेंगे वो रुकेंगे, जो नहीं समझेंगे उनको फिर वक्त बताएगा। ये मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ बस, ऐसा नहीं ऑडियो नहीं डालूंगा, लेकिन समझा आखिरी बार रहा हूँ दोस्तों। आपका शुभ चिंतक विजय शर्मा।